तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और सभी को जय श्री राम। आज फिर से एक नई कार, नई ड्राइव, और देखकर पता लग गया होगा इंटीरियर्स में आज मैं लेकर आया हूँ थार। ये अपने किसी फ्रेंड की थार है, ये थार लेकर घूम रहा हूँ मैं आज। जैसे मैं कह रहा था, ये अपने दोस्त की कार है। बहुत मतलब मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है थार के साथ, कैसी चलती है क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ली है गाड़ी, और आज के लिए ली है। आज चलाएंगे और वापस दे देंगे। मुझे तो बस एक वीडियो बनानी थी इसकी, और एक्सपीरियंस लेना था कि थार चलती कैसी है और चलाने में क्या रिस्पॉन्स है इसका, सिटी में रखें तो कैसी चलेगी, उसके अलावा मतलब क्या देखते हैं, एक्सपीरियंस है एक कि थार का क्या एक्सपीरियंस रहता है। और मैं वहीं जा रहा हूँ, उसी लोकेशन पर जहाँ सबसे पहले क्रेटा की वीडियो शूट करी थी, फिर उसके बाद में होंडा सिटी की, और आज फिर थार की वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं उधर ही। तो वहीं चलते हैं एक बार और शूट करते हैं, देखते हैं इसका इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं, इंटीरियर्स इसका, एक्सटीरियर्स, पूरी गाड़ी कैसी है क्या है। तो वहीं लोकेशन पर मिलते हैं फिर। कैसी दिखती है इसकी चाबी, ये देखो सेम ही है। लोकेशन थोड़ी चेंज है क्योंकि मैं हमेशा वहाँ शूट करता हूँ जहाँ पर अभी वो रिक्शा खड़ा है, वहाँ जगह नहीं थी, वो रिक्शा खड़ा था, तो मैं सोचा अब यहाँ शूट करते हैं इसको। प्रोफाइल वाइज और रोड प्रेजेंस देखे ना इसका, तो सच में एक नंबर है। ये इतनी बड़ी लगती है, अभी वैसे वीडियो में इतनी नहीं लग रही, और नॉर्मली हम रोड पर चलते हुए देखते तो, पर जब ऐसे पास में आगे खड़े होकर देखते हैं तो बहुत बड़ी लगती है ये कार। और सब फाइव डोर आएगी ना, तब इसका मज़ा होगा देखने लायक। वो थोड़ी प्रैक्टिकल कार होगी क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का ये इसके साथ है, ये प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, इसकी एक्सटीरियर की बात करें, लुक्स वाइज एक नंबर है कार। इसके हेडलाइट्स चेंज करी हुई है, इसमें प्रोजेक्टर्स डाले हुए हैं। नंबर मैंने नहीं सही लगता इसलिए छुपा दिए इसके नंबर, अपनी होती तो अलग बात है। जैसे ऑडी की बनाई थी, क्रेटा की बनाई थी, होंडा सिटी की बनाई थी, सब में अपना नंबर लगा हुआ था, पर ये किसी और की है तो सही नहीं लगता, इसलिए नंबर छुपा दिया है इसमें। बाकी कार देखो देखने में, मतलब रोड प्रेजेंस ऐसी है कि साइड तो अपने आप ही मिल जाए, और एकदम ह्यूज बोनेट है इसका पूरा, और देखिए मेटल इसका पूरा पावर फील होता है। हाँ, दमदार है गाड़ी। ये प्लास्टिक है, और पहले जो DI आती थी, मेजर आती थी, उनमें ये भी लोहे का आता था, ये फाइबर का हो गया इसमें। टायर 18 इंच व्हील है, पर अच्छा फील, दिखने में बढ़िया है, बड़ा टायर है। और अगर खासकर मॉडिफाई करा ले 20-22 इंच में और चौड़े टायर डलवा लें, फिर तो अलग ही चीज़ है। ये कुछ ऐसी दिखती है ये बाहर से, साइड से। रियर प्रोफाइल में इसका जैसे लुक ये है, और ये देखो, ये तो वेट, इसका व्हील का वेट की वजह से ये इतनी आवाज़ कर रही है। तो इसके ऊपर अपना अलॉय डाले और बड़ा व्हील डाले, फिर तो इसकी हालत ख़राब हो जाए। और डिग्गी के मामले में कुछ भी नहीं है, डिग्गी नाम की चीज़ नहीं है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा ये बूफर लगवा लो, और कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे बैग रख लो जो अपने नॉर्मल लैपटॉप बैग होते हैं, उसमें सामान डाल के रखना है तो ठीक है। ये देखो, ये इतने में अटक गया, नहीं खुला, ये पूरा यहाँ तक खुला, अब खुलेगा, ये ऐसे तो नहीं खुलेगा, ये बंद। और कहते हैं नई वाली थार जो आ रही है शायद उनमें कुछ, उसमें डिग्गी का बड़ा मज़ा आएगा, फाइव डोर में प्रॉपर उसमें स्टोरेज मिलेगी, वो रहेगी लॉन्ग, मतलब लॉन्ग रूट के लिए वो कार परफेक्ट रहेगी। कहीं भी जाना है, 4-5 बंदे बैठे और पीछे रखे अपने सामान अच्छे से निकल दिए। इसमें क्या, 4 बंदे बैठ के जाओ तो सामान नहीं ले जा सकते, अगर सामान लेके जाना है तो 3 बंदे बैठ के जाओ, उससे ऊपर जगह नहीं है इसमें। जैसे अंदर से दिखाऊं तो इंटीरियर तो फिर भी अच्छा है, रैंगलर टाइप में ही है, कॉपी है सीट इसकी। ये तो यहाँ से आगे, और फिर यहाँ से आगे करनी पड़ेगी, ये हो गया टोटल। ये ऐसा स्पेस है पीछे जाने के लिए। अब पीछे जाओ तो वैसे तो
है, मतलब स्पेस ही स्पेस दिख रहा है, बट ये दो सीट फिक्स कर दी तब क्या स्पेस बचा, कुछ भी नहीं बचा। अभी जो इससे पहले डीआई आती थी, मेजर आती थी, मेजर तो फिर भी चलो बड़ी थी, डीआई छोटी थी, उसमें ऐसे बेंच वाली सीट थी, फिर भी कितना स्पेस मिलता था और मजा आता था। पर ये देखो, और कार कुछ भी कहो, जैसे मैं थोड़ा जाने की कोशिश करूं पीछे तो ये चीजें दिख रही है, ये सब ऐसा, ये फिट एंड फिनिश है इसका, बहुत रगेड है। मजे वाली बात नहीं है इतनी। और ये बार बार आगे पीछे करो, फिर अंदर जाओ, फिर बाहर आओ, बहुत दिमाग खराब होता है इसके अंदर इस चीज में। ये टू सीटर ही मान लो, इसे टू सीटर से ऊपर इसको मत मानो और भी कुछ। अगर कहीं जा रहे हो चार बंदे बैठ के, तो पीछे का सीट का बार बार वही उतारो निकालो। ये कुछ इसका डोर, और कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर। इंटीरियर फिर भी ठीक है, और अभी जो नई 5 डोर आने वाली है उसमें ये इंफोटेनमेंट वाला पूरा ऐसे ऊपर तक है, उसकी स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी है। बस इसको स्टार्ट करते हैं, चाबी जेब में रह गई। पुश बटन आने वाला है 5 डोर में, इसमें नहीं है। एसी को एक बार बंद किया, आवाज सुनो गाड़ी की। दो मिनट थोड़ी अंदर से ठंडी हो जाए, तब तक जो नंबर प्लेट के ऊपर कवर लगाया वो निकाल दूं, ये वाला एक तो हाथ में आ गया, इसको रखते हैं। डोर पॉकेट भी नहीं है कुछ भी इसमें, रखें क्या कुछ भी, कहाँ रखें। जो आगे लगाया था ये भी निकाल लेता हूँ, आवाज़ सुनो। और ये गाड़ी चलाने के बाद खड़ी कर दो ना 1-1.5 घंटे तक, तब तक इसका इंजन हीट करता है, बहुत ठंडे होने में बहुत टाइम लेती है ये गाड़ी। ये है कुछ इसका, एसी कम करते हैं। ये है कुछ इंटीरियर, स्टेयरिंग व्हील चलाने में बहुत, मतलब पूरा बोनट दिख रहा है, और जब चलती है तो, मैंने जैसे जीप चलाई है पहले तो उस हिसाब से आदत ही थोड़ी बहुत, पर फिर भी बहुत बड़ी फील होती है आगे पीछे करने में भी। जैसे भी देखो बॉडी रोल तो इसका स्कॉर्पियो जैसा ही है, हाँ स्कॉर्पियो से थोड़ा सा कम है, बाकी सेम ही चीज़ मान लो। बाकी थोड़ा ऑफ रोडिंग में चलते हैं तब तो ऐसे झोल खाते हुए चलती है पूरी। एसी वेंट्स इसके, ये सब एसी कंट्रोल, और ये इसका 4x4, हाँ ये 4x4 है जैसे मैंने बताया नहीं था, ये 4x4 मॉडल है। और पावर विंडोज़ का कंट्रोल इधर, अभी जैसे मैं मतलब अपने पास तो ये है नहीं तो रेगुलर इतनी चलती नहीं, जैसे ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बार बार हाथ यहाँ जाता है इस जगह, और इसके लिए पावर विंडोज़ के लिए इधर बॉटल स्पेस। एक बार फिर आगे ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देखते हैं इसका, और लेके चलते हैं इसे कहीं रोड पर। ये अभी जैसे थोड़ा सा मतलब खड्डा पार करना है ना, तो गाड़ी पूरी ये देखो जंप कैसे करती है, ये पूरी हिलते हुए निकलती है, मतलब पूरा ऐसे फील करा देती है कि हाँ भाई खड्डा पार हुआ है अपना कोई। चलो आगे देखते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं और फिर आगे कुछ देखते हैं। सिटी ड्राइव में जैसे स्विफ्ट चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्विफ्ट की मतलब आधी हाइट से ऊपर बैठा हूँ, और ये लग रही है जैसे कोई फर्स्ट फ्लोर पर बैठ के चला रहा हूँ मैं। ऐसे स्कॉर्पियो भी मैंने चलाई है, पर ये थोड़ी ज़्यादा ऊपर फील हो रही है, पता नहीं क्यों, है नहीं इतनी पर ये हो रही है फील। इसको हाईवे पर लेके चलते हैं और इसका थोड़ा सा एक बार स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। जस्ट जा ही रहा था, ये सामने हाईवे है, और मुझे एग्जैक्टली याद आया कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, तो चलो इसका एक बार थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में भी वीडियो बनाकर देखें, टेस्ट तो कर ही लेते ना जब अपने हाथ में आई हुई है तो।
क्योंकि ये ऑफ रोडिंग मैंने एक बार पहले भी करी है। क्रेटा टच होती है इसके अंदर, दिखेगा नहीं शायद वीडियो में, पर क्रेटा नीचे टच हो जाती है, तो उसके हिसाब से कितना ज्यादा होगा ये। जैसे यहां से जूम करके दिखाऊं तो ये देखो किस टाइप में, ये ऐसा है पूरा। तो यहां पर अभी ट्राई करते हैं कि ये टच तो नहीं होगी, पर कितना मतलब ये ऐसे झूलती है। बाकी टच तो देखो, अभी एंगल देखो कितनी टेढ़ी हो गई कार, ये देखो पूरी टेढ़ी है इस टाइम पे, और ये बिल्कुल प्यार से चल रही है एकदम। ये देखो खड्डे तो हैं, और जैसे इसका मैंने भी 4x4 भी नहीं लगा रखा, सिर्फ ये इसमें है 2H में है, ना 4H लगाया है ना फिर अभी कोई 4 लो। फिर भी देखो कितने प्यार से, मतलब कोई एफर्ट नहीं है, सिर्फ हाफ क्लच छोड़ रहा हूँ, बिना रेस दिए हुए चढ़ गई, बिना रेस दिए हुए ये पूरी ऊपर चढ़ गई है, देख लो। इसको हाईवे पे चलाते हैं अब थोड़ी सी, और फिर देखते हैं क्या स्टेबिलिटी क्या है इसकी, क्योंकि जैसे ये स्कॉर्पियो जितनी मतलब झूलती है, बॉडी रोल है इसका वैसा ही, तो स्कॉर्पियो 100 के ऊपर जाती है उसके बाद में ना थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। तो अब इसमें चेक करते हैं कैसा होता है, आगे ट्राई करता हूँ फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। पे ड्राइव कर रहा हूँ मैं काफ़ी देर से, मैंने इसे कम से कम 15-20 किलोमीटर चला लिया, और सच में मैं कहूँ जो मेरा रिस्पांस है, क्योंकि मैं रफ भी बहुत चलता हूँ, और जैसे दिल्ली से मैं डायरेक्ट गुजरात आता हूँ नॉनस्टॉप 1000 किलोमीटर चलता हूँ, तो ऐसे मैं रेगुलरली बहुत चला हूँ हाईवे पर, उस हिसाब से देखें तो सच में इस गाड़ी का रिस्पांस बहुत अच्छा है हाईवे पर। पावर में लैग फील नहीं होता बिल्कुल भी, और स्टेबिलिटी जैसे मैंने कहा था बॉडी रोल इसका स्कॉर्पियो जैसा ही है नॉर्मली जब थोड़ी ऑफ रोडिंग में चलती है, बट हाईवे के ऊपर ये गाड़ी 120-140 जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं फील होता कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, 140 पर भी कॉन्फिडेंस देती है ये गाड़ी। अभी स्कॉर्पियो जैसे 100 के बाद कॉन्फिडेंस नहीं देती, पर ये नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बड़ा एकदम पूरा फील होता है कि हाँ ग्राउंड लेवल पर गाड़ी बहुत अच्छे से पकड़ के चल रही है, और ना कोई ऐसा मतलब बॉडी रोल जैसा फील हुआ, और अगर कोई सामने है और हम हाई स्पीड पर अचानक से थोड़ा सा कट लेते हैं तो उस टाइम पर भी कोई ऐसा मन में बिल्कुल 1% डाउट नहीं आता। मुझे पर्सनली अच्छी लगी ये चीज़ बहुत ज़्यादा, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि छोटी गाड़ी जिसे चाहिए एक तरीके से, 5-door जो आने वाली है उसके सामने तो ये छोटी है, और सिटी ड्राइव नॉर्मल ड्राइव के लिए, हाँ एज अ फैमिली कार नहीं यूज़ कर सकते इसे, सिटी ड्राइव और नॉर्मली अपने गेड़ी मारने के लिए शौक पूरे करने के लिए गाड़ी एक नंबर है। तो मैं कहूँगा कि हाँ मेरी तरफ से जो रिव्यूज है, जो मैंने अपने पर्सनली इसे चला के फील किया है, वो सब मैंने पूरा वीडियो में बताया है, तो मान सकते हो इन चीज़ों को। बाकी एंड करते हैं इस वीडियो को इधर ही, और आगे नेक्स्ट कोई गाड़ी देखते हैं, या फिर कुछ और कहीं ट्रिप हो या कुछ हो तो वीडियोस उसमें कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग अब कब आएगा वो देखते हैं, बाकी अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू सो मच।